चलिए अब रुक करते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट काम की खबरों की ओर और देख लेते हैं क्या कुछ काम की खबरें हैं। काम की खबरों में आज सबसे पहली खबर है, केंद्र सरकार ने फास्टैग की KYC कराने की अंतिम तारीख 31 जनवरी से बढ़ाकर 29 फरवरी कर दी है। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी 8 फरवरी को पेश करेगी अंतरिम बजट। 20 साल बाद कोई वित्त मंत्री पेश करेगा बजट, इससे पहले मुख्यमंत्री वित्त मंत्री होते रहे हैं। रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा करने वाले आम उपभोक्ता से अब बिजली कंपनियां प्रति यूनिट 2.17 रुपये की बजाय 2.71 रुपये में खरीदेगी बिजली, ये भी बड़ी राहत की खबर है। राजस्थान में 17 IAS और 7 IPS के तबादले किए गए हैं। गौरव गोयल को राज्यपाल का सचिव बनाया गया है और सुबीर कुमार को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जारी की आबकारी नीति। शराब की दुकानों के ठेकेदार तीसरे साल फिर करा सकेंगे नवीनीकरण। शराब गारंटी राशि में 10% की बढ़ोतरी की गई, इस पर हमने चर्चा भी की है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में पुलिस थानों में अब SHO रोजाना दोपहर 12 से 1 बजे और शाम 4 से 5 बजे तक अनिवार्य रूप से करेंगे जन सुनवाई। कमिश्नर बीजू जोसेफ चार्ज ने ये आदेश दिए हैं। चिरंजीवी और RGHS योजना के तहत निजी अस्पतालों में इलाज नहीं मिलने की राजस्थान पत्रिका को एक ही दिन में मिली है 200 से ज़्यादा शिकायतें। किसी को सरकारी में जाने के लिए तरकाया तो किसी को इलाज के लिए खर्च करने पड़े जेब से हजारों रुपए। जोधपुर एम्स के दीक्षांत समारोह 3 फरवरी को होगा। समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। 22 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक से किया जाएगा सम्मानित। बाड़मेर से कांग्रेस के पूर्व विधायक मेवाराम जैन के घर पहुंची ED की टीम। नवंबर 2023 में दर्ज मामले के सिलसिले में कार्रवाई की गई है। घर पर नहीं मिले जैन, ED ने CD मामले में जुटाए सबूत। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के गौकशी मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ने दूसरे को फंसाने के लिए खुद कराई गाय की हत्या, 4 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गौकशी के मामले में, इस पर हमने भी बात करी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग देश में ब्लॉक स्तर पर किसानों को मौसम की जानकारी देने वाली सभी जिला कृषि मौसम इकाइयां बंद करेगा। अमेरिका भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने को तैयार। $3.99 अरब के सौदे को बाइडेन प्रशासन ने दी मंजूरी। शिमला और श्रीनगर में मौसम की पहली बर्फबारी। कश्मीर और हिमाचल में बदला मौसम, पर्यटन स्थलों पर लौटी बहार। CBSE की वर्ष 2024 की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग RS मेंस 2021 की उत्तर पुस्तिकाएं 20 फरवरी से 31 मई तक अपलोड करेगा वेबसाइट पर। अभ्यर्थी इसके लिए 5 फरवरी से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन।